हेलो स्टूडेंट्स, रीमान इंटीग्रेशन का ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग लोअर रीमान सम, अपर रीमान सम पढ़ेंगे। रीमान सम्स को डॉरबॉक्स सम्स भी कहते हैं। तो आइए हम शुरू करें। पहले तो एक पार्टीशन कंसीडर करें, उसके बाद कुछ नोटेशंस, कुछ बातें आगे बढ़ेंगे हम। पहली बात तो ये देखो, टेलीग्राम ऐप है ना, उसमें मैंने चैनल्स बना रखे हैं। तो BSc 3 के चैनल, पहले तो आप योगेंद्र बहादुर सिंह से कनेक्ट होइए टेलीग्राम ऐप पर, फिर हमारे BSc 3 मैथ्स YBS इस चैनल से कनेक्ट होइए। उस पर आपको ट्यूशन नोट्स मिलेंगे, रीमान इंटीग्रेशन के ट्यूशन नोट्स हैं, थोड़े ईजी लहजे में लिखे गए हैं, सेलेक्टेड बातें उसमें लिखी हुई हैं। वीडियो का जो काम मेरा है, ये प्लेलिस्ट, इस ट्यूशन नोट से ज़्यादा विस्तृत होगा, विस्तार में होगा। इसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारी बातें बता डालेंगे। उसमें कहीं कहीं हमने कंजूसी की है। बहरहाल, यदि आपको नीड महसूस हो, ज़रूरत महसूस हो, तो आप ट्यूशन नोट्स के लिए PDF फॉर्म में मिलेगा। आप इस ऐप पर जाइए, लिंक हमने दे रखा है, ये लिंक है, इस लिंक पर आपको मिलेगा t.me/B3YBS। ठीक, अब आइए इधर, लेट अस कंसीडर आर्बिट्ररी पार्टीशन। आर्बिट्ररी पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB एज P=(curly bracket) A=x0, x1, x2, xr-1, xr, xn-1, xn=b, n belongs to capital N, full stop। Notations, कुछ नोटेशंस आपको हम बता चुके हैं पहले और कुछ आज बता रहे हैं। IR ये नोटेशन है, आर्यत सब इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल XR-1 XR, ये वाला, ये पिछले वीडियो में हम आपको समझा रहे थे ना, जैसे कि ये पहला सब इंटरवल है, ये दूसरा सब इंटरवल है। कैसे पहचानेंगे कि कौनवा सब इंटरवल है? जैसे इसमें देखो, राइट एंड पॉइंट X1 है तो पहला, इस वाले में राइट एंड पॉइंट X2 है तो दूसरा, इस वाले में राइट एंड पॉइंट XR है तो आरवा, और लास्ट में जो बनेगा वो कौन होगा? Nवा। ठीक, इस क्लोज्ड इंटरवल को हम IR से डिनोट करेंगे और इसकी लेंथ को हम Δr से डिनोट करेंगे। Δr, थोड़ा सा इसको हम लिखना चाहेंगे यहाँ पे, ये क्या चीज़ है? ये है आर्यत सब इंटरवल, आर्यत सब इंटरवल। इसके बाद फिर Δr, Δr लेंथ है इसकी, लेंथ ऑफ IR जो कि बराबर होगा XR-XR-1। इसी समय एक कैलकुलेशन हम कर लें, सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n। देखो ये आरवा है ना, ये आरवा सब इंटरवल है और कुल कितने सब इंटरवल हैं? n, तो r वेरी करेगा 1 to n। Δr इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, Δr माने XR-XR-1 इक्वल्स टू R=1, R=2 रखते चलिए एन तक, X1-X0+X2-X1+ लास्ट में क्या आएगा? XN-XN-1। अब जरा देखिए, पहला आगे वाले अगले के दूसरे से कट गया, पहला अगले के दूसरे से कट जाएगा, फिर इसके पहले जो होगा उसका पहला अगले वाले दूसरे से कट जाएगा।
अगर ये चीज ऐसे न समझ में आए तो इसको नीचे लिखिए, ऐसे एक्स वन माइनस एक्स नॉट, फिर उसके नीचे लिखे एक्स टू माइनस एक्स वन, फिर उसके नीचे लिखे एक्स थ्री माइनस एक्स टू एंड सो ऑन, लास्ट में लिखिए एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन। ये ज़्यादा बेहतर आपके समझ में आएगा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स नॉट बचेगा, एक्स एन बचेगा, एक्स एन माइनस एक्स नॉट, ये एक्स एन बचा और माइनस एक्स नॉट बचा। दिस इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स नॉट। एक्स एन क्या चीज़ है? बी। एक्स नॉट क्या चीज़ है? ए। तो ये हो गया बी माइनस ए विच इज कॉन्स्टेंट। यानी सभी लेंथ्स, सभी सब इंटरवल के, सभी सब इंटरवल्स के लेंथ्स का सम, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल सब इंटरवल्स इज इक्वल टू बी माइनस ए विच इज लेंथ ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो जहां कहीं भी सिग्मा डेल्टा आर आएगा वहां फिर इसको बार बार हम निकालेंगे नहीं, इसको हम तुरंत बी माइनस ए लिख देंगे, ये सोच के कि आप जानते हो। तो अभी नोटेशंस का क्रम चलेगा ही। इसको हटा लेना क्या? नेक्स्ट स्मॉल एम आर, ये क्या चीज है? इनफिमम ऑफ एफ इन आई आर, इसको ऐसे लिखा जाएगा इनफिमम करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई आर। ये लिखावट देखो, ये लिखावट देखो ना, ये लिटरेरी सेंटेंस हो गया, ये मैथमेटिकल सेंटेंस हो गया। इसका मतलब इनफिमम ऑफ एफ इन आई आर, क्योंकि एक्स कहां से लिए जा रहे हैं? आई आर से। एंड कैपिटल एम आर सुप्रीमम ऑफ एफ इन आई आर, इसको लिखा जाएगा ऐसे सुप्रीमम करली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई आर। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अगर आपको इनफिमम सुप्रीमम में तनिक भी कंफ्यूजन है, तनिक भी कच्चापन महसूस कर रहे हो, तो आप वीडियो नंबर वन देख लें तुरंत इसी प्लेलिस्ट का, उसमें हमने बाउंडेड फंक्शन ही समझाया है, नहीं तो आगे बड़ी दिक्कत होगी। बाउंड्स और इंटरवल यही दो बेसिक चीजें, इन्हीं को लेकर के रीमान इंटीग्रेशन में थ्योरी आगे बढ़ती है। अब देखो ये सेट दोनों एक ही है, एक ही सेट है, इसी का इन्फिमम इसी का सुप्रीमम, तो किसी भी सेट का इन्फिमम उसके सुप्रीमम से छोटा होता है, दोनों बराबर भी होते हैं यदि सेट सिंगलेटन सेट हो। तो यहां एक रिजल्ट चल लिख दिया जाए, ऑब्वियसली इन्फिमम लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम। इतनी बातें जानने के बाद अब हम लोग लिखने जा रहे हैं लोअर सम और अपर सम। और एक नोटेशन और बता दें, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन के लिए नोटेशन होता है ओ फॉर ऑसिलेशन और आर, ये है ओ आर ऑसिलेशन, ओ एस सी आई डबल एल ए टी आई। ऑक्सीलेशन क पहले मत पढ़िए, क ही नहीं है, ऑसिलेशन उच्चारण में क नहीं है, ऑसी ओ सी ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ऑफ एफ इन आई आर, और ये डिफाइन होता है कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। सुप्रीमम इन्फिमम का जो डिफरेंस आएगा उसी को ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक। तो जिस सेट का सुप्रीमम, जिस सेट का इन्फिमम निकाल रहे हो आप, यहाँ पे चर्चा कर रहे हो, अगर वो सेट सिंगलेटन सेट होगा तो उसका इन्फिमम सुप्रीमम बराबर होगा और इसलिए उसका ऑसिलेशन जीरो होगा। तो सिंगलेटन सेट का जो ऑसिलेशन होता है वो होता है जीरो।
बस इसके बाद हम सम डिफाइन करने जा रहे हैं। फिर से हेडिंग डालिए, लोअर रीमान सम और ऐसे ब्रैकेट लिख लो, दैट इज शॉर्ट में इसको लिखते हैं लोअर आर सम लोअर आर सम ऑफ एफ इन ए बी ऑन ए बी ओवर ए बी, ये तीनों प्रीपोजिशन चलता है, ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज डिफाइंड बाई ये नोटेशन है इसका एल पी एफ, और इसको कुछ ऑथर्स ऐसे भी लिखते हैं एल एफ पी। अब हमारी आदत इस पे सेट हो गई, हमारे यही लिखाएगा अपने आप, हम ये लिखेंगे दिस इज इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू एन स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर। स्मॉल एम आर क्या चीज है और डेल्टा आर क्या चीज है सब आपको पता है, ठीक ना। वेयर स्मॉल एम आर इज इन्फिमम ऑफ एफ इन आई आर एंड डेल्टा आर इज लेंथ ऑफ आई आर। यूं ही इसको जरा एक्सपेंड किया जाए, देखें क्या तस्वीर सामने आती है। एक्सपेंड करें एल पी एफ इक्वल्स टू आर इक्वल टू वन आर इक्वल टू टू ऐसे रखते चलिए, एम वन डेल्टा वन प्लस एम टू डेल्टा टू प्लस सो ऑन प्लस एम एन डेल्टा एन। पार्टीशन ध्यान में है ना, पार्टीशन ध्यान में होना चाहिए, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर एक्स एन। एम वन क्या चीज है, इन्फिमम ऑफ एफ इन आई वन, आई वन कौन है ये है, आई टू कौन है ये है, आई आर कौन है ये है, ये आई वन है ये आई टू है, सब इंटरवल्स के नोटेशंस हैं, ये आई आर है, और अगर यहाँ हम एक्स एन माइनस वन लिख दें तो ये आई एन है, ठीक। आई वन की लेंथ डेल्टा वन, आई टू की लेंथ डेल्टा टू, आई आर की लेंथ डेल्टा आर, आई एन की लेंथ डेल्टा एन। अब जरा भाव निकालिए और उसको दिमाग में बैठा लीजिए। पहले सब इंटरवल में फंक्शन का इन्फिमम इनटू पहले सब इंटरवल की लेंथ प्लस दूसरे सब इंटरवल में फंक्शन का इन्फिमम इनटू दूसरे सब इंटरवल की लेंथ प्लस सो ऑन प्लस एनथ सब इंटरवल में फंक्शन का इन्फिमम इनटू एनथ सब इंटरवल की लेंथ। इसी सम को लोअर सम कहते हैं। क्या किया गया समझ रहे हैं ना, सभी इंटरवल में बारी बारी से सभी इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम सॉरी फंक्शन का इन्फिमम निकाला गया है और उसमें उस इंटरवल की लेंथ से गुणा किया गया है। तो ये हो गया, देखो इसको हम बोल रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इन्फिमम ऑफ एफ इन सब इंटरवल्स एंड दियर लेंथ इज लोअर रीमान सम। क्लियर हुआ, भाव बैठा लीजिए। हाँ सिर्फ ये ऐसे लिख दो संक्षेप में तो ये भाव नहीं आती सामने। अब ये आपको समझ में आ गया कि ये डिजिटल वर्क किस टाइप का है। सब इंटरवल लेते हैं, हर सब इंटरवल में फंक्शन का इन्फिमम निकालेंगे, उस सब इंटरवल का उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सबको जोड़ देंगे, जो सम आएगा दैट इज कॉल्ड लोअर सम। अब ये जो इन्फिमम जहाँ जहाँ है अगर वहाँ हम सुप्रीमम कर दें तो वो हो जाएगा अपर सम। नेक्स्ट अपर रीमान सम, अपर रीमान सम इसको शॉर्ट में अपर आर सम लिखते हैं। रीमान न लिख के आर लिखा जाता है और ये अब्रीविएशन स्टैंडर्ड है, मान्य है, आप कहीं भी लिख सकते हैं। दैट इज अपर
आरसम, अपर आरसम ऑफ एफ ऑन ए बी। एक चीज नहीं लिख रहा हूं मैं कि ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड इन ए बी है। हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये अंडरस्टूड है, आप समझ रहे होंगे। जिस फंक्शन के इन्फिमम सुप्रीमम का तुम उपयोग कर रहे हो तो ये संभव कैसे होगा जब तक वो बाउंडेड ना हो। अगर फंक्शन बाउंडेड है तभी तो उसका इन्फिमम, तभी तो उसका सुप्रीमम आपको मिल पाएगा। यानी कि रीमान इंटीग्रेशन में जो फंक्शन एंटर किया है उसका बाउंडेड होना अनिवार्य है। देखो ये रीमान इंटीग्रेशन की शुरुआत है, स्टार्ट हो गया। पहले सम्स डिफाइन होते हैं, फिर इनसे हम लोअर रीमा इंटीग्रल, अपर रीमा इंटीग्रल डिफाइन करेंगे। तो स्टार्ट हुआ एक फंक्शन से, वो फंक्शन कैसा होना चाहिए? बाउंडेड। कहीं मन में अगर लिख उठेगा, कहीं मन में अगर नहीं लिख उठेगा तो समझ लीजिएगा सब बाउंडेड फंक्शन का खेल है ये। अपर आर सम ऑफ एफ ऑन ए बी इज डिफाइंड बाई, इज डिफाइंड बाई UPF से डिनोट करते हैं या UFP से डिनोट करते हैं, और ये इसका डेफिनेशन है। सिग्मा R वेरीज फ्रॉम 1 टू N कैपिटल एम आर डेल्टा R। ये इसे आप एक्सपेंड करिए समेशन को, दैट इज UPF इज इक्वल टू कैपिटल M1 इंटू डेल्टा 1 प्लस कैपिटल M2 इंटू डेल्टा 2 प्लस सो ऑन प्लस कैपिटल Mn इंटू डेल्टा N। वही चीज़ जो आपको समझा रहे थे, इन्फिमम की जगह कौन आ गए, सब सुप्रीमम आ गए। तो हर सब इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम और उस सब इंटरवल के लेंथ का प्रोडक्ट निकाल करके सम कर दीजिए, जो सम आएगा वो क्या कहलाएगा? अपर सम। इसके बाद दो टिप्पणियां हम करेंगे। पहली टिप्पणी, हम जानते हैं कि स्मॉल एम आर लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम आर होता है, बताए थे ना आपको। दोनों ही तरफ हम डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। डेल्टा आर क्या चीज होता है? आई आर की लेंथ, माने एक्स आर माइनस वन, ये आई आर इंटरवल है। एक्स आर माइनस वन एक्स आर क्लोज्ड इंटरवल, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो दोनों तरफ हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, इसलिए इस इनइक्वलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका नेचर ऐसे ही रहेगा। इम्प्लाइज दैट स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा आर, और ये आर के सभी मानों के लिए ट्रू है ना, आर इक्वल टू वन के लिए भी, आर इक्वल टू टू के लिए भी, एंड सो ऑन आर इक्वल टू एन के लिए भी। तो चाहो तो यहाँ पर लिख दो आर इज इक्वल टू वन कामा टू कामा सो ऑन कामा एन। तो अब जोड़ दीजिए, जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है एम वन डेल्टा वन लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम वन डेल्टा वन एंड एम टू डेल्टा टू लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम टू डेल्टा टू एंड सो ऑन एंड एम एन इंटू डेल्टा एन लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम एन इंटू डेल्टा एन। ऐसा है ना, तो सब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जोड़ दोगे, सिग्मा ले लो कुल मिला के, सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन एम आर डेल्टा आर लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन कैपिटल एम आर डेल्टा आर। और ये क्या चीज है? एल पी एफ लेस देन आर इक्वल टू यू पी एफ। तो ये एक रिजल्ट है, हमेशा याद रखिएगा, लोअर सम हमेशा लेस देन आर इक्वल टू अपर सम होता है। दूसरी टिप्पणी हम ये करना चाह रहे हैं, रीमान सम्स आर आल्सो कॉल्ड डॉरबॉक्स सम्स, डॉरबॉक्स सम्स। इनका भी काम है डॉरबॉक्स रीमान, ये मैथमेटिशियंस हैं, लेकिन ज़्यादा चलन में यही नाम है रीमान सम्स, रीमान सम्स, या
कुछ ऑथर्स रीमांड और बॉक्सम दोनों नाम लेते हैं, रीमांड और बॉक्सम, डारबॉक्सम रीमानसम, रीमांड डारबॉक्सम, ये सब एक ही हैं। इसके बाद एक छोटा सा थ्योरम हम पढ़ेंगे और इस वीडियो को रोकेंगे यहीं पर। हाँ, ऑसिलेटरी सम, ऑसिलेटरी सम, ये लोअर सम अपर सम के बाद फिर एक और सम पढ़ लीजिए, ऑसिलेशन पढ़े थे ना, तो अब ऑसिलेटरी सम ये सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन ऑसिलेशन ओ आर इनटू डेल्टा आर, ये यही है, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटरी सम। इसको अगर हम कैलकुलेट करें ऑसिलेटरी सम को, इस पर एक टिप्पणी लीजिए, सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन ओ आर डेल्टा आर इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन, ओ आर माने क्या याद है डेफिनेशन ना, एम आर माइनस एम आर इंटू डेल्टा आर इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन कैपिटल एम आर डेल्टा आर माइनस सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन स्मॉल एम आर डेल्टा आर, एंड दिस इज अपर सम एंड दिस इज लोअर सम। वाह, कितना बढ़िया रिजल्ट आ गया, डिफरेंस ऑफ अपर रीमा सम एंड लोअर रीमा सम इज ऑसिलेटरी सम, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। UPF माइनस LPF इज कॉल्ड, इज नोन एज, इज टर्म्ड एज ऑसिलेटरी सम। ऑसिलेटरी सम, थोड़ी और बात पूरी करना, ऑफ F ऑन AB, ये अब एक छोटा सा थ्योरम। एक एक बातें इसीलिए शुरुआत की बातें हैं, सब बहुत इत्मीनान से हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि इनको आप लेयर लगाते चलिएगा ठीक से और सबको याद रखना होगा। रीमान इंटीग्रेशन ये जो प्लेलिस्ट है भैया, ये बहुत लेंदी प्लेलिस्ट है, मैं समझता हूँ धीरे 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 20 के ऊपर वीडियोस जाएंगे, इससे कम में होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, हो सकता है 30 तक संख्या पहुँचे, इसलिए बहुत इत्मीनान से हम पढ़ाएंगे, बहुत इत्मीनान से आप पढ़िए, लेकिन जो भी पढ़िए उसको कायदे से लेयर लगा लीजिए अपनी प्रज्ञा में। एक थ्योरम, थ्योरम नंबर वन, क्रम से हम नंबरिंग करते चलेंगे न्यूमेरिकल्स पे भी थ्योरम्स पे भी, ताकि हम कहीं लिख दें सी थ्योरम नंबर फलाने तो आप समझ जाए। लेट कैपिटल एन, सॉरी, लेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम बी द सुप्रीमम एंड इन्फिमम ऑफ एफ इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू एल पी एफ लेस देन आर इक्वल टू यू पी एफ लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए, मेरी समझ से यही है स्टेटमेंट, हाँ यही है, फॉर ऑल पी बिलोंगिंग टू पी ए बी, ये नोटेशन ध्यान है कि नहीं, पी ए बी, यस आपको ध्यान होना चाहिए, दिस इज फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, दिस इज पार्टीशन ऑफ, सॉरी, फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, इस फैमिली का एक बहुत बढ़िया सा गुण होता है, मैंने आपको बताया था, ये फैमिली काउंटेबल फैमिली होती है। प्रूफ, अब एक रिजल्ट हम लोग चर्चा किए थे हम लोग, मैं उसका फिर से चर्चा कर देना चाह रहा हूं, वी नो दैट करके ना, वी नो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन, दो बातें, सुप्रीमम ऑफ एफ इन ए
less than or equal to supremum of f in B and infimum of f in B less than or equal to infimum of f in A. इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं. सुप्रीमम में देखो ये क्रम ए और बी यही है, इन्फिमम में बी है, इधर ए है, उल्टा हो गया है. तो अब इसी को हम पकड़ के लिख रहे हैं. चूंकि आई आर इज सबसेट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी. ये अब ये इक्वलिटी की गुंजाइश कब होगी? जब हम स्मॉलेस्ट पार्टीशन ऑफ ए बी लेंगे. तो अब यही आप इस पे लगाइए. देयरफोर सुप्रीमम ऑफ एफ इन आई आर लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ इन ए बी. सुप्रीमम ऑफ एफ इन आई आर लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड इनफिमम ऑफ एफ इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी लेस देन आर इक्वल टू इनफिमम ऑफ एफ इन आई आर. ये समझ में आया ना? बढ़िया से. अब ये रिजल्ट से नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा भाई. और यही नहीं, इस रिजल्ट का इस्तेमाल आप एक से अधिक बार करेंगे इस चैप्टर में. आई आर में फंक्शन का सुप्रीमम कैपिटल एम आर, इनफिमम स्मॉल एम आर से डिनोट करते हो. आई आर माने क्या होता है आप जानते ही हो. तो लिखो फिर, इम्प्लाइज दैट सुप्रीमम ऑफ एफ इन आई आर, बोलिए कैपिटल एम आर लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ इन ए बी. इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट, मेंशनड है कैपिटल एम कामा सुप्रीमम ऑफ सॉरी इनफिमम ऑफ एफ इन ए बी गिवन स्मॉल एम लेस देन आर इक्वल टू इनफिमम ऑफ एफ इन आई आर स्मॉल एम आर. पॉजिटिव क्वांटिटी डेल्टा आर से सब में मल्टीप्लाई करो और सब पे सिग्मा ले लो, क्योंकि ये ट्रू है आर के सभी मानों के लिए. सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू एन, कैपिटल एम आर डेल्टा आर लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू एन कैपिटल एम डेल्टा आर एंड सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू एन स्मॉल एम इंटू डेल्टा आर लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू एन स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर. बस ताला खुल गया. अब सर आगे बढ़िए. इम्प्लाइज दैट सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू एन कैपिटल एम आर डेल्टा आर लेस देन आर इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट है ना, यह सिग्मा उसे प्रभावित करेगा जिसमें आर हो. एम में आर नहीं है, बाहर निकल गया. सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू एन डेल्टा आर, इसमें स्मॉल एम बाहर हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू एन स्मॉल एम आर डेल्टा आर. अब आप सबको पहचानिए, इसे पहचानिए, इसे पहचानिए. सबकी चर्चा आपके साथ हो चुकी है, इन सबको आप पहचानिए. मैं पहचान के लिख रहा हूँ. यू पी एफ लेस देन आर इक्वल टू कैपिटल एम, इसकी वैल्यू निकलवा चुका हूँ, बी माइनस है. और ये भी कह दिया था कि जहाँ जहाँ ये आएगा हम डायरेक्ट ही वैल्यू लिख दिया करेंगे, बार बार थोड़ी निकालेंगे. और स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू एल पी एफ. बस अब इसको कनेक्ट करना है. आप जानते हो कि एल पी एफ लेस देन आर इक्वल टू यू पी एफ होता है. तो यहाँ से आप शुरू करो. देयर फोर स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू एल पी एफ, ये वाला लिखा पहले. और आप जानते हैं एल पी एफ लेस देन आर इक्वल टू यू पी एफ होता है, है ना? और यू पी एफ लेस देन आर इक्वल टू दिस आपको दिख ही रहा है, कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए. यही प्रूव करना था. अगले वीडियो में हम लोअर सम अपर सम के एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स कराएंगे.
न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स इसलिए भी कर लेना मुनासिब है क्योंकि बिल्कुल मैकेनिज्म क्लियर हो जाएगा, रेसा रेसा क्लियर हो जाएगा, ये दिल में बात बैठ जाएगी कि जो सम हम निकाल रहे हैं ये किस टाइप का सम है। ठीक, वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये इस बहुत बड़ी प्लेलिस्ट का तीसरा वीडियो है, इसलिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्लेलिस्ट के जो भी वीडियोस हम बनाएं उसकी सूचना डायरेक्ट आपको मिल सके। थैंक यू।